यार बहुत धूप आ गई इस टाइम तो। हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज मैं हो गया हूँ बहुत लेट और धूप आ चुकी है और यार धूप में अगर रनिंग करने में मेरे को होती है प्रॉब्लम। सो यार आज इसलिए लेट हो गया क्योंकि कल मैंने शाम को रनिंग करी थी और रनिंग ख़त्म करने के बाद मैं जिम चला गया था और जिम में जाके मैंने अपना आर्म्स का वर्कआउट किया था और वो भी बहुत इंटेंस हो गया था। तो अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं एंड आज चलो कोई नहीं धूप में से कभी भी करो लेकिन स्किप मत करो, है ना। तो मैं आ गया हूँ बाहर रोड पे और अब करता हूँ रनिंग स्टार्ट क्योंकि मैं नहीं चाहता और धूप हो जाए और फिर धूप में यार बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है तो आपको मिलता हूँ रनिंग के बाद, अब तो मेरा भेज ही दूसरा होता है। रनिंग स्टार्ट कर चुका हूँ और ये देखो G20 की मीटिंग के लिए लगे हुए हैं ऑफिस के बाहर झंडे। हाँ चलो रनिंग शॉर्ट शेयर करता रहूँगा और मिलता हूँ रनिंग के बाद। बहुत धूप है यार, अर्ली मॉर्निंग रनिंग सबसे बेस्ट है भाई। ये देखना धूप बहुत है। भाई G20 की देख रहे हो क्या बढ़िया तैयारियाँ की हुई है। ये देखो अंदर अगर दिख रहा है तो रनिंग ख़त्म हो चुकी है और मेरी हालत देख लो भाई। भाई धूप में ना रनिंग करने में और का तो पता नहीं मेरी बड़ी हालत ख़राब होती है। चलो कोई नहीं अपना रनिंग वाला पार्ट तो पूरा ही करना है यार, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना नहीं है। हाँ वैसे देखो आज G20 के पहले दे है और यहाँ पे पूरे हेडक्वार्टर्स के आगे जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। एक बात है दो तीन दिनों में ना मतलब जब से इसकी तैयारी करी है साफ हो गए रोड़े और रनिंग कैसे ना कैसे करके कंप्लीट कर ही ली है क्योंकि यार धूप बहुत तेज़ थी और गर्मी लगती है मेरे को बहुत ज़्यादा धूप में। तो बस वही है मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग रनर हूँ, मतलब धूप में भाग लूँगा लेकिन यार हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। हाँ और यार ये पता नहीं मैंने मंडे को लेग्स करी थी, ऐसी क्या लेग्स हुई हैं, माना कि यार हैवी हुआ था वर्कआउट लेकिन अब तक छोड़ने से यार पैर उठाते हुए ऐसा हो रहा है कि बस पूछो मत। और धूप देखो कितनी तेज़ है यार, ओहो शिट कितनी धूप में रनिंग करी है मैंने यार। वैसे तो अभी तो 8 बजे हैं, जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में तो उस टाइम तो यार ऐसा था कि मैं 10-11 बजे उठता था और फिर अपना रनिंग स्टार्ट करता था तो तब तो और धूप होती थी लेकिन यार पार्क में करता था तो भैया ना पेड़ की छाया शेल्टर्स वगैरह के अंदर तो इतना लगता नहीं था। लेकिन जब से सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे उठने की आदत पड़ी है कोई वाला टेम्परेचर सूट नहीं करता है। आज देख रहे होगे हालत बड़ी थकी थकी सी हो गई है। चलो ये भी एक्सपीरियंस है, ये ब्लॉग भी मैंने डाल दिया कि भाई धूप में रनिंग करने से क्या होता है। ऐसे होता कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स। तो यार अब जाता हूँ पार्क में, थोड़ा सा करता हूँ स्ट्रेचिंग वगैरह और आज सोचूँ कि थोड़ा एब्स का वर्कआउट भी कर लूँ तो वो भी मैं आपको अभी इस ब्लॉग में पोस्ट करता हूँ। ठीक है तो चलो चलते हैं पार्क।
यार स्ट्रेचिंग भी हो गई है एंड मैंने एप्स का भी वर्कआउट कर लिया है और तो सही है, थोड़ा प्रोडक्टिव हो गया सुबह सुबह डे। एंड आज हॉलीडे है तो ऐसा नहीं है कि मैं लेजीनेस में घर पे पड़ा रहा, कोई बात नहीं, अगर धूप थी तो सुबह आके अपना मैंने रनिंग का पार्ट कंप्लीट किया। वैसे मैं स्किप कभी नहीं करता हूँ, सच बताऊँ तो मन ही नहीं करता यार स्किप करने का, एक रेगुलरिटी बनी हुई है, एक पार्ट बना हुआ है कि सुबह उठना है, फ्रेश होना है, अपना रनिंग पे जाना है। और ये देखो ये आ गया, ये देखो ये आ गया, ये भाई साहब डेली आ गया, ऐसे कडल करेगा अपने आप को, मेरे से पूछो मत। बस 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 हाँ चल आ रहा, ज़बरदस्ती भाई अपने धक्के मार मार के मेरे पैरों पे कहेगा कडल करो कडल करो। तो चलो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।